अस्सलामुअलैकुम। आज मैं मूनास किचन में हम बनाएंगे चॉकलेट मोस। चॉकलेट मोस के लिए जो हमें अज्जा चाहिए, चॉकलेट बार 100 ग्राम, कोको पाउडर 1 टेबलस्पून, 50 ग्राम बटर, क्वार्टर कप मिल्क, एक अलग से पैन लेना है। क्वार्टर कप पानी में हमने 1 टीस्पून जिलेटिन पाउडर को डिजॉल्व करना है। इसको डिजॉल्व के लिए हमने कुछ देर के लिए छोड़ देना है। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे। पैन में हमने क्वार्टर कप मिल्क डालना है। बटर 50 ग्राम, कोको पाउडर 1 टेबलस्पून, चॉकलेट बार 100 ग्राम। हमने कोको पाउडर और ये सारा मिक्सचर हमने खूब चॉकलेट सॉस हमने लो फ्लेम में बनाना है। और चॉकलेट सॉस उस वक्त तक बनेगा, कुक होगा, जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाएगा। जेलेटिन पाउडर हमने जो पानी में डिजॉल्व किया हुआ था, इसको सिर्फ 30 सेकंड कुक करना है। 30 सेकंड कुक करने के बाद हमें इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। चॉकलेट सॉस मसलसल हमने हिलाना है, इसको कुक करना है, जब तक ये स्मूथ फॉर्म में ना आ जाए। चॉकलेट सॉस हमारा बहुत अच्छे से स्मूथ फॉर्म में आ चुका हुआ है। ये जेलेटिन हमने चॉकलेट सॉस में ऐड कर देना है। अलग से हमने 3 अंडे लेने हैं, 6 टेबलस्पून कास्टर्ड शुगर हमने ऐड करनी है और अंडे हमने इतने अच्छे बीट करने हैं कि ये क्रीम फॉर्म में आ जाए। और कास्टर्ड शुगर हमने अंगठी नहीं ऐड करनी, हमने 2 टेबलस्पून करके ऐड करनी है। अंडे हमारे बहुत अच्छे से बीट हो रहे हैं। 2 टेबलस्पून मैंने कैस्टर शुगर की ऐड की। मजीद मैंने 2 टेबलस्पून और ऐड किए और साथ साथ मैं बीट भी करी जा रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने और ऐड किए। हमारे अंडे बहुत ही अच्छे फॉर्म में, क्रीमी फॉर्म में आ चुके हुए हैं। 200 ग्राम मैंने अलग से क्रीम बीट करनी है, वो भी हम चॉकलेट मोस में ही ऐड करेंगे। ये हमारी क्रीम है 200 ग्राम जो मैंने अलग से बीट करनी है। तकरीबन बीट हो चुकी हुई है। अंडे के मिक्सचर में मैंने चॉकलेट सॉस ऐड किया, इसी मिक्सचर में मैं 200 क्रीम भी ऐड करूंगी और चॉकलेट मोस को अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी सी क्रीम मैं बचा लूंगी। ये देखिए हमारा कितना अच्छा मिक्सचर तैयार हो चुका हुआ है। अब मैंने इसको सर्विंग बॉल में डालना है और 3 से 4 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में इसको सेट होने के लिए रख देना है।
मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।